और अब बात उस तकनीक की जो पानी की बचत करती है, और इस तकनीक को तैयार किया है IIT ड्रॉपर्स ने। ये तकनीक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी के इस्तेमाल को 90% तक कम कर देगी। इस इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी को एयर नैनो बबल का नाम दिया गया है। क्या है ये तकनीक और कैसे टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये पानी के इस्तेमाल को कम करती है, आपको बताते हैं। ये तस्वीरें IIT रोपड़ के नए प्रयोग की है। IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई मशीन जो कम पानी सोखेगी। टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी के इस्तेमाल का समाधान करने के लिए IIT रोपड़ ने एक इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी एयर नैनो बबल विकसित किया है, जो पानी की मात्रा को कम कर सकता है। इस नए प्रयोग के जरिए IIT रोपड़ का दावा है कि टेक्सटाइल में 90% पानी कम यूज करेगी एयर नैनो बबल तकनीक। एक अनुमान के अनुसार 1 किलो सूती कपड़े का संशोधन करने के लिए 200 से 250 लीटर पानी की जरूरत होती है। लैब रिपोर्ट बताती है कि पानी में फैले हवा के नैनो बबल पानी की खपत और रासायनिक खुराक को 90% से 95% तक कम कर सकते हैं, जो आखिरकार 90% ऊर्जा की खपत को भी बचाता है। इस तकनीक को विकसित करने वाले डॉक्टर नीलकंठ निर्मलकर का दावा है कि कपड़ा उद्योग सबसे अधिक पानी की खपत वाले उद्योग में से एक है, और पानी के प्रदूषण से जुड़े टेक्सटाइल उद्योग में पानी के इस्तेमाल की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। हमने जब डाई को डिग्रेड करेंगे, वो डाई डिग्रेड होकर के वापस जो वाटर का फॉर्म है वो प्योर हो जाता है। तो वो वाटर तो हम यूज ही कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिसाइकल वाटर। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये बबल जो होता है ये बिल्कुल टाइनी होता है, छोटा छोटा। तो ये आपका जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल अंदर भी जाएगा फैब्रिक के, तो इट डिस्ट्रीब्यूट द कलर वेरी यूनिफॉर्मली, तो उसमें भी वाटर बचेगा हमारा। और एट द सेम टाइम केमिकल को हम डिग्रेड कर सकते हैं आसानी से, वो भी है। तो इसलिए 90% वाटर को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। बचेगा 10%, वो मेरे ख्याल से सॉलिड कुछ बच जाएगा, नीचे जो बच जाएगा सॉलिड वो बच जाएगा। IIT रोपड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के संरक्षण के लिए नए जमाने की प्रोसेसिंग विधियों की खोज की जा रही है। इट्स अ केमिकल फ्री टेक्नोलॉजी, तो इटसेल्फ ये एक एनवायरनमेंट को जो सर्व कर रही है वो अब केमिकल्स ही नहीं हमें हम प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट को, तो पोल्यूशन भी मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे इसका बेसिक यूज हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में होता है, तो जैसे टेक्सटाइल वेस्ट वाटर है उसमें से जो भी पानी हमारा एफ्लुएंट जो निकलता है बाहर, वो हमारे वाटर बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम उस वाटर को आप हमारे नैनो बबल टेक्नोलॉजी से ट्रीट कर सकते हैं, सो दैट उसका 90-95% जो वाटर है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, जो गैस में पानी में घुलने की क्षमता होती है वो कम होती है, तो इस बबल्स के थ्रू क्या है, जो बबल का साइज छोटा है वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है, जिससे गैस की घुलने की क्षमता जो है पानी में बढ़ जाती है। टेक्सटाइल उद्योग में कपड़े की तैयारी के लिए आवश्यक कई चरणों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रंगाई, वस्त्र सबस्ट्रेट में रसायनों को खत्म करना, डिजाइनिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग और मर्चेंडाइजिंग शामिल है। इसके साथ ही टेक्सटाइल उद्योग गंदे पानी की सबसे अधिक मात्रा पैदा करता है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत रंगाई, छपाई और वस्त्र सामग्री की फिनिशिंग है। ऐसे में IIT रोपड़ का यह प्रयोग पानी के इस्तेमाल को कम करता है। जाहिर है ये एक क्रांतिकारी कदम है। रोपड़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।